बारी है रियल टेस्टिंग की, क्या ये वाले होम थिएटर को चला पाएगा सर्किट। एक और बहुत ज्यादा बड़ी खुशखबरी ये। हेलो गाइस, तो फिर कैसे आप लोग, आई होप एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे एंड वेलकम आपको हमारे कोर ताजनी फ्रेश व्लॉग के अंदर। गाइस आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पे एक इन्वर्टर का सर्किट ऑर्डर किया था, ये फटा भाई साहब और काफी मस्त है, और जब से आया मैंने इससे एक भी प्रोजेक्टर नहीं बनाया, तो मैंने सोचा यार क्यों ना इसको आज के ब्लॉग के अंदर इसको चला के देखें, इससे चला के देखें कि हम इसे क्या क्या चला सकते हैं, कि इसे हम बल्ब चला सकते हैं या फिर ये वाला स्पीकर मतलब साउंड होम थिएटर है ना, ये चला सकते हैं ना इस इन्वर्टर से, तो ये भी देखने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है, तो ब्लॉग के अंदर बने रहना एंड जो भी हो देखा जाएगा फटाफट से ना। मैं आपको ये भी बता दूं, जब से इसको लाया ना मैंने एक बार भी इसकी वायर वगैरह ये ऐसी की ऐसी है और ऐसे की ऐसे ही पड़ा रखा था काफी टाइम से बॉक्स के अंदर, और आज मैंने सोचा लो इसको निकालते हैं, मैं यहाँ पे ट्राइपॉड पे लगा लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, ये है इन्वर्टर वाला सर्किट, और पहले मैं इसकी जो ना यहाँ पे वायर पता नहीं कैसे लिपेट रखे हैं भाई साहब, हाँ ये आ चुके हैं वायर, और ये कुछ इस टाइप से खुल जाएगा, देखो जब से आया ऐसा ही पड़ रखा है, और कितने बड़े वायर है ठीक है, और ये देखो ये जो ना यहाँ पे लिख रखे है, ये अगर मैं ये वाला सर्किट मतलब जो ना कंपोनेंट हटाऊँ तो देखो पीछे आउटपुट ठीक है, तो यहाँ से मतलब ये जो ये वाले पतले वाले वायर है ये आउटपुट के हैं, और ये जो मोटे वाले वायर है ये बैटरी के लिए, यहाँ पे ये देखो ये ग्राउंड है मतलब नेगेटिव है ये वाला, और ये वाला हमारा पॉजिटिव प्लस ठीक है, इसके अंदर हम 12 वोल्ट दे सकते हैं, तो यहाँ पे ये 220 वोल्ट निकालेगा, जिससे हम आराम से आई थिंक बल्ब तो चला ही सकते हैं काफी सारे, वो भी 8-9 बल्ब आराम से। और कितने वाट के, ये है गाइस 150 वाट का इन्वर्टर बोर्ड ठीक है, तो काफी मस्त है, 150 वाट हमारा जो होम थिएटर ना वो तो आराम से चल जाएगा, तो चला के भी देखें कि सच में चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। एक और बहुत ज्यादा बड़ी खुशखबरी ये है गाइस कि हमने यहाँ पे ये जो साउंड वर बनाया था ना, मतलब साउंड वर बनाया नहीं था, अभी बन रहा है ठीक है, इसका काम चालू है, जैसे कि आपने पिछले व्लॉग्स के अंदर देखा है। अब मैंने सोचा यार काफी टाइम से यही चल रहा है तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए आज, तो मैंने थोड़ा डिफरेंट कर दिया, और इसका सामान अभी आ रहा है स्पीकर्स वगैरह, तो खुशखबरी ये है कि वो सामान अभी एक दो दिन के अंदर आने वाला है, जिस दिन मतलब आपकी ब्लॉग देखोगे शायद उसी दिन आ जाए, या फिर हो सकता है उससे अगले दिन आ जाए, मतलब एक दो दिन में आ जाएगा पार्सल, जिसके अंदर भाई साहब इसके अंदर लगने वाले जो स्पीकर्स है ना वो आ जाएंगे भाई साहब, मजा आ जाएगा। 6-6 इंच के स्पीकर्स ऑर्डर करें, ये सबवूफर पड़ा ठीक है, देखो यहाँ पे ये सबवूफर है, और यार इसका काम अभी काफी हद तक हो चुका, कनेक्शन वगैरह बोर्ड वगैरह मैंने बना दिया, एमडीएफ बोर्ड बोर्ड नहीं बुक्स बना दिया एमडीएफ बोर्ड से। ये पड़ा गया इस हमारा सॉकेट, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ ना, ये जो वायर है इसको मैं इसके अंदर कनेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे बैटरी है मेरे पास, चलो बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी है बट गाइस वो अच्छे से चार्ज नहीं है, तो हो सकता है अच्छे से ये चीजों को ना चलाए, बट हाँ एक बार ट्राई करने के मैं क्या कहता है कि वो क्या चार्ज है या नहीं चार्ज, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे रखी थी बैटरी ये पड़ी, और ये बैटरी भी भाई साहब 4 एम्पियर की है, 12 वोल्ट 4 एम्पियर, क्योंकि इसके अंदर 6 सेल यूज करें, तो ये बैटरी पता नहीं चार्ज है नहीं चार्ज, अगर ये चल गया तो ठीक है, वरना मेरे पास अडेप्टर भी है ठीक है, अडेप्टर लगा देंगे 12 वोल्ट का। तो फाइनली गाइस कनेक्शन हो चुके हैं, ये देखो भाई साहब, एंड अभी हम देखने वाले हैं क्या ये हमारा इन्वर्टर सर्किट इस वाले होम थिएटर को चला पाएगा, तो बहुत मजा आने वाला है, एंड ब्लॉक के अंदर बने रहो, एंड अभी मैं जो ना देखो यहाँ पे एक स्विच ऐड कर दिया है ताकि इसको ऑन ऑफ कर सके, अगर यहीं से ऑफ कर दिया यहां से करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे 12 वोल्ट बंद और भाई साहब यहाँ पे 220 वोल्ट आनी बंद ठीक है। चलो फिर अभी टेस्टिंग करते हैं, पहले यहाँ पे जो ना ये वाला बल्ब ही लगा लेते हैं, ये बड़ा भाई साहब बल्ब ये लगा दिया मैंने, अब पता नहीं ऑन है या ऑफ है, ऑन करता हूँ देखो भाई साहब कुछ भी नहीं चल रहा, ऑफ करता हूँ नहीं भाई साहब कुछ भी नहीं चल रहा, तो वही बात होगी यार मैंने आपको बोला था ना, पता नहीं ये बैटरी चालू है या नहीं चालू, क्योंकि ये काफी टाइम से पड़ रखी है और अभी तक मैंने इसको काफी टाइम से चार्ज नहीं किया है, तो इसलिए आई थिंक ये डाउन हो चुकी है। चलो फिर अपना 12 वोल्ट का अडेप्टर कब काम आएगा, तो फटाफट से मैं इसको जो ना टेस्टिंग के लिए 12 वोल्ट का अडेप्टर लगा लेता हूँ, जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तब भाई साहब इस बैटरी को चार्ज कर लेंगे, अभी फिलहाल हम सिर्फ इसकी सर्किट की टेस्टिंग कर रहे हैं।
तो हो गया इस काम। एंड अभी मैंने जो ना वहां से स्विच भी हटा दिया क्योंकि स्विच की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चलेगा डायरेक्टली यहाँ पे 220 वोल्ट पे ये, और यहीं से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो वहां पे 12 वोल्ट जानी बंद हो जाएगी, जिस वजह से ये भी बंद हो जाएगा और चालू हो जाएगा ऑन ऑफ करने से। तो ये देखो मैंने कनेक्शन कर रखे हैं, ये वायर जा रहा और यहाँ पे ये, ठीक है आपके आंखों के सामने। ओ चल गया भाई साहब, देखो हाँ चल गया। देखो मेरे को लगा इतना टाइम क्यों ले रहा है, मेरे को लगा खराब है, बट हाँ चल रहा है, बहुत मस्त चल रहा है। ये देखो इन्वर्टर पे हमारा बल्ब चल रहा है। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो इन्वर्टर वाला बल्ब है, ये तो ऐसे भी जल जाएगा। हाँ गाइस, ये सीधा भी चल जाता है, डायरेक्ट बिजली पे भी चल जाता है, 220 वोल्ट पे चल जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे अभी ऑफ है तो नहीं चल रहा, ऑन किया तो चल गया। तो ये कुछ लोगों के मन में होगा कि ये सेल पे चल रहा है जब ऑन कर रहे हैं। तो चलो मैं आपको ना इस सेल मतलब इस बल्ब को हटा के वो वाला बल्ब जो ना वो दूसरा वाला डायरेक्टली 220 वोल्ट पे चलने वाला वो लगा के फिर आपको चला के दिखाता हूँ। लगा दिया तो एक हाथ से आपके सामने लगा दिया, अब आपके सामने इसको चालू भी कर देता हूँ विदाउट कट। ये देखो भाई साहब हमारा इन्वर्टर सर्किट एकदम मस्त काम कर रहा है। अगर मैंने यहाँ पे टच कर दिया तो हो सकता है मेरे को झटका वटका लग जाए। अभी गाइस आपको यकीन हो गया होगा कि हाँ ये अच्छा से काम कर रहा है क्योंकि इसमें सेल लगा रखा है। तो यार ये भी अच्छी बात नहीं है, मैं नहीं चाहता आपके, मैं मतलब कोई भी फेक वीडियो नहीं बनाता, जो भी होता है हमारे चैनल के ऊपर रियल होता है। तो इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके से चला के मतलब दोनों बल्बों से ट्राई करके दिखा दिया, चला के दिखा दिया। ये देखो अब बारी है रियल टेस्टिंग की, मूवमेंट ऑफ ट्रूथ की, कि क्या ये वाले होम थिएटर को चला पाएगा सर्किट, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं, इसको उठा के इसके ऊपर रख लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ, और कनेक्शन भी साथ ही साथ मतलब प्लग लगा लेता हूँ साथ ही साथ इसको उठा के। चलो अभी यहाँ पे इनको भी ट्विटर को भी लगा लेते हैं, और ये रहा हमारा पावर का वायर, तो इसको लगा तो इसके अंदर ही लगेगा। तो अब बारी है भाई साहब मोमेंट ऑफ ट्रुथ की, क्या होगा भाई साहब ये चलेगा या नहीं चलेगा। तो चलो ऑन करता हूँ, ये ऑन हो गया, यहां से नहीं चला क्योंकि यहां से बंद है, देखते हैं चला या नहीं चला। देखो भाई साहब बंद करके दोबारा चालू करता हूँ, नहीं भाई साहब ये नहीं चल सकता। हाँ इससे हम जैसे कि ये वाली ट्यूबलेट्स है ना, ये वाली ट्यूबलेट्स ऐसी हम तीन चार चला सकते हैं, ये वाली ट्यूबलेट ये भी आराम से तीन के अप्रोक्स आप चला सकते हो, चार भी चला सकते हो, और ऐसे ही अगर आपके पास 9 वाट के बल्ब है तो ऐसे आराम से आप मतलब 8, 9, 10 मैक्सिमम 10 चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट ये होम थिएटर नहीं चलेगा। ये आ चुके हैंड ब्लेंडर, और इसको भी हमने थोड़े दिन पहले सही किया था। देखो यहाँ पे नई वाली शाफ्ट डाली थी, घर पे कैसे डालते हैं अगर आप चैनल पे जाओगे तो मिल जाएगी, एंड और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिल जाएंगी। तो अगर देखना चाहते हो तो चैनल के ऊपर जाके देख सकते हो, और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। फटाफट से इसको यहाँ पे लगा लेता हूँ इसकी होम थिएटर की जगह। ये कनेक्ट हो गया हैंड ब्लेंडर, अब देखते हैं ये चलेगा या नहीं चलेगा आपके सामने। अरे यार यहाँ से तो ऑन किया ही नहीं, अब ऑन करता हूँ, अब देखते हैं भाई साहब क्या होता है। ओ भाई साहब देखो भाई साहब ये काम तो कर रहा है, और अगर शायद हम इसके अंदर बैटरी थोड़ी सी ज्यादा एम्पियर की लगा दें तो हो सकता है गाइस ये हैंड ब्लेंडर आराम से चल जाए, एंड हो सकता है ये होम थिएटर भी चल जाए। एंड जल्द गाइस जो ना यहाँ पे हमारा ये जो होम थिएटर है बीच में अधूरा पड़ रखा है, इसका भी काम जल्द स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जिस दिन आप व्लॉग देखोगे हो सकता है उससे अगले दिन का जो व्लॉग है वो इसी के रिलेटेड हो सकता है, उसके अगले दिन में ये पूरा कर दूं मैं। चलो फिर मिलता आपको अगले व्लॉग के अंदर, जो होगा आप आने व्लॉग्स के अंदर देखना। तो बाय बाय।